So my name is Dipsa Sharma. I have finished my BA LLB from Amity Law School, Delhi, followed by LLM from Mewar University, and currently I'm pursuing my master's in psychology from Indira Gandhi National Open University. My hobbies include cooking, baking, and I also enjoy gardening and crochet at times. कुकिंग आपकी हॉबी है? क्या अच्छा बना लेती हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छे ब्रेड्स बनाती हूँ. आई कैन ऑल्सो मेक वेरी टेस्टी पाइज, एप्पल पाई, स्ट्रॉबेरी पाई. आई लाइक बेकिंग अलॉट, सो केक्स बनाना मुझे बहुत पसंद है. एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है बताएंगे आप? सर, सेक्शन 438 सीआरपीसी का एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है. सेक्शन ये बोलता है कि जब भी कोई व्यक्ति को आशंका होती है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि नॉन बेलेबल इन नेचर है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए कि जब उसको अरेस्ट करेगी तो उस इवेंट में उसको बेल दे दी जाएगी. सर, इसका एक लैंडमार्क केस गुरबख्श सिंह सिद्धिया, सॉरी. ओके, आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप आंसर इंग्लिश में ही दीजिए। ओके सर. तो बताइए, इन विच केसेस अपील शैल नॉट लाई? सर, अपील शैल नॉट लाई इन केसेस वेयर द पनिशमेंट हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड इट इज नॉट. सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ. सो देर आर सर्टेन अमाउंट्स ऑफ फाइन एंड पनिशमेंट्स व्हिच हैव बीन गिवन, एंड इफ इट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इट देन यू कैन नॉट अपील. फॉर इंस्टेंस, इफ इट्स जस्ट 100 रुपीज फाइन बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, then in that case के appeal will not lie. So I will revise about it. I'm sorry, I'm a little nervous. I read it, but I'm unable to recollect it. कॉमन इंटेंशन क्या? सर, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दिया गया है. सर, कॉमन इंटेंशन बेसिकली मीन्स प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स. When two or more than two people, they have one particular plan in their mind and they try to execute it, then they are said to have a common intention, which is in furtherance of committing another offense. अगर मान लें कि ए और बी ये प्लान बनाते हैं कि सी का घर जला देंगे, तो जब घर सी का जला रह के लौट रहे थे उस दौरान डी नाम का एक अदर पर्सन है जो उन्हें उनको पकड़ने का प्रयास करता है, जी बी गोली चला देता है और डी की डेथ हो जाती है, क्या जी डी की डेथ के लिए ए की लाइबिलिटी होगी? नो सर, इसमें भी क्योंकि इसमें कोई इनकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी. इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड वहीं तक था जहां तक इन्होंने मिस्चिफ किया या किसी का घर जलाया सी का. पर जब ये भाग रहे थे उस समय दोनों के ऑफेंसेस अलग अलग हैं. उस टाइम जो ऑफेंस बी ने किया वो इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बी. ठीक है, अगर मान लीजिए जब घर जलाने के लिए जा रहे थे उस दौरान ही डी नाम का पर्सन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बी उन पर गोली चला देता है, उसकी डेथ हो जाती है, जो कि प्लान में नहीं था कि किसी को मारना हो, उसके लिए एक्स की लाइबिलिटी होगी कि नहीं, ए की लाइबिलिटी होगी कि नहीं? सर, उसका इंटेंशन तो नहीं है करने का, तो सर आई एम नॉट, आई'ल हैव टू रीड अबाउट इट सर. एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे से बहुत पर्सनल बातें शेयर करते हैं, फिर इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। वो कम्युनिकेशन जो उन्होंने फ्रेंडशिप के दौरान एक दूसरे को कम्युनिकेट की थी, क्या एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 से प्रोटेक्टेड होंगी कि नहीं? नो सर. सर, प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच दिया गया है सेक्शन 122 में, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज में ही लगता है. इट डज नॉट अप्लाई एंड इट आल्सो अप्लाइज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ और बाय डाइवोर्स. एनी कम्युनिकेशन व्हिच वाज मेड प्रायर टू मैरिज और सॉरी प्रायर टू मैरिज एंड आफ्टर मैरिज विल नॉट बी अप्लाइड हियर. लाइक दैट विल ऑन दैट प्रिविलेज कैन नॉट बी क्लेम्ड. एक्ट और कोड में कुछ अंतर होता एक्ट ऑफ गॉड, है? एक्ट एंड कोड,
एक्ट मतलब अधिनियम, कोड मतलब संहिता, इसमें कुछ यस अंतर? सर, सर कोर्ट इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द प्रायर एक्ट्स, जो कुछ पहले हुआ होगा, जो कुछ भी पहले के एक्ट, सॉरी सर, there were different acts in different areas during the British period. So when British thought that they should consolidate the act and make, I'm sorry, sir, they should consolidate, make one act which will apply to all the places, that was considered to be a code. सेक्शन 41 सीआरपीसी ये कहता है कि बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन, क्लियर? यस सर, सेक्शन 41 को छोड़कर बाकी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, आप हमें वो सर्कमस्टांसेस बताएं। सर, वन दैट कैन इनकॉर्ड इज 165, आई थिंक, वेयर देयर इज अडल्ट्रेशन इन फूड. इफ द पुलिस कन्फिस्केट्स अडल्ट्रेटेड घी और डेयरी प्रोडक्ट, एनी एडिबल्स. सर, वन मोर दैट आई कैन थिंक ऑफ इज व्हेन द फूड द पुलिस कन्फिस्केट्स कॉइन्स और करेंसी नोट्स व्हिच हैव बीन काउंटरफिटेड. सो दिस इज ऑल आई कैन थिंक ऑफ, आई थिंक. ठीक, एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है? क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? मम्मा जाओ यहाँ से, सो सॉरी सर. सर, FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. इट कैन बी यूज फॉर बोथ कोरोबरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन, बट यूजुअली फॉर कॉन्ट्रडिक्शन. बट इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 154 CRPC. आप हमको बताइए, कोरोबोरेशन एंड कंट्राडिक्शन को छोड़ के इसकी एविडेंशियल वैल्यू किस पर्पज के लिए? सर, इट कैन बी यूज्ड अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. क्वेश्चन, When evidence is questioned on the on any thing that he has made in writing previously, this is all I can think कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट हो सकता है कि नहीं? of. सर, हो सकता है अगर स्पेशली अक्यूज्ड ने करवाया है तो ये कंडक्ट के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाता है. बैंड हो सकता है कि नहीं? सर, ये डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकता है. हो सकता ये है तो सर, ये डाइंग पुलिस से होता डिक्लेरेशन. है क्या? डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस से भी किया जा सकता है क्या? सर, डाइंग डिक्लेरेशन किसी से भी किया जा सकता है, पुलिस हो या डॉक्टर हो या कोई फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर हो, एनीबॉडी कैन टेक अ डाइंग डिक्लेरेशन. बट सर, इट विल डिपेंड ऑन हाउ रिलायबल वी विल कंसिडर द विटनेस लेटर. अ पुलिस इमेज इज बी कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली टेंटेड, सो अ डाइंग डिक्लेरेशन गिवन टू द पुलिस मे बी स्लाइटली डिस्प्यूटेड, बट इट कैन बी गिवन टू एनीवन. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सर, सेक्शन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स दैट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज लाइक इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन अमंग ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन. तो आप चाहती हैं कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसके पक्ष में हैं? सर यस, सर आई थिंक अगर ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, फॉर इंस्टेंस सर, हम एक चीज अगर कंसिडर करें तो मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं मुस्लिम्स, विच इज आई थिंक रॉन्ग. अगर इस चीज को अलाउ कर दिया जाएगा तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द पीपल, किड्स हु आर ऑर्फन एंड शुड कुड हैव बीन अडॉप्टेड. एट द सेम टाइम सर, आई कंसिडर दैट मेन कैन मैरी मल्टीपल टाइम्स, मुस्लिम मेन, वाइल हिंदू मेन कैंट बिफोर 1955 मैरी मोर देन वंस. But after 1955, bigamy has been made an offense, and I think this controls the perversion of the society. Having one wife is, I think, enough. नहीं, वाइफ तो वन इनफ है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ऐसा फंडामेंटल राइट है हमारा, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं, उसको उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके हिसाब से रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आर्टिकल 44 जो कि DPSP है, उसको फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल कराया जा रहा है। सर, बट कुछ चीजें जो पर्सनल लॉज के अंदर होती हैं, दे कैन बी कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक पॉलिसी. अगर हम एक छोटी सी चीज देखें
कि हमारे हिंदू धर्म में डाउरी बहुत होता है, या सती प्रथा या देवदासी प्रथा बहुत हुआ करता था। तो सर हम इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोल के चलने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो कुछ चीजें जो एक जनरल पार्लांस में लोगों को हार्म करें, उनको फंडामेंटल, उनको राइट टू रिलीजन बोल के किसी के पर्टिकुलर हक के ऊपर प्रिवेल नहीं करने देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप हमको बताइए इंटरप्लेडर सूट क्या है? सर इंटरप्लीडर सूट, आई थिंक सर सेक्शन 88 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। सर इसमें बेसिकली जब डिस्प्यूट दो लोगों के बीच होता है, सर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने सीपीसी रिवाइज नहीं किया है। सर सो कोई कोई व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी देकर आया है किसी व्यक्ति को ठीक करवाने के लिए, और कोई और व्यक्ति आके क्लेम करता है उससे कि ये गाड़ी मेरी है, तो वो इंटरप्लीडर सूट कर सकता है ये बोल के कि मेरे को सिर्फ खर्चा चाहिए कि मैंने इस गाड़ी का रिपेयर किया है और मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इंटरप्लीडर सूट वो इंसान फाइल करता है जिसको प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ही जस्ट वॉन्ट्स ऑल द मनी दैट ही हैज स्पेंट इन इट इन टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्ट और रिपेयरिंग द प्रोडक्ट। द एक्चुअल सूट इज बिटवीन ए एंड बी, बट द थर्ड पर्सन जस्ट वॉन्ट्स द बेनिफिट्स, द मनी दैट ही हैज स्पेंट। सर आई हैव नॉट और रिवाइज कोई सीपीसी और आई वुड हैव बीन एबल टू गिव यू अ बेटर आंसर। बात नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी एन भगवती इंडिया में लेकर आए थे इसका कंसेप्ट। सर इसका पहला केस जो रहा था वो था हुसनैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी हजारीबाग जेल बिहार। सर इस केस में पीआईएल का कंसेप्ट प्रॉपरली इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। जब भी कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान कर रही होती है, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या कोई लॉयर या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि किसी को नुकसान हो रहा है एंड प्रॉपर गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशंस शुड बी मेड टू हेल्प दैट पर्सन। सर पीआईएल अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं फाइल किया जाता, अगर अपने इंटरेस्ट के लिए कर दिया तो कोर्ट आप पे कॉस्ट लगा देती है। सो इट्स इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज इनएविट इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी फॉर द पब्लिक बेनिफिट। एक लास्ट क्वेश्चन जी सर, कि बिहार का कोई ऐतिहासिक महत्व बताइए, इतिहास में बिहार को किस रूप में देखा गया? सर बिहार के बहुत ऐतिहासिक महत्व हैं। आप चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका से लेके चंपारण तक जाएं पहली, या फिर आप अगर फेस्टिवल के नाम पे देखते हैं तो हमारा छठ है, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा। सर चंपारण जो 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन रहा था वो चंपारण में हुआ था, राजकुमार शुक्ल के साथ उन्होंने, और राजेंद्र प्रसाद ने भी बाद में उसको ज्वाइन किया था, चंपारण का मूवमेंट हो गया। दूसरी बात सर, ओरिएंटल फैक्ट्री, गन ओरिएंटल फैक्ट्री बनी थी सबसे पहले बिहार, मुंगेर में बनी थी बिहार के, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। और सर तीसरी बात, बिहार स्कूल ऑफ योगा है जो कि 1966 में बना था बाय श्री सत्यानंद सरस्वती, उसको अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2018 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनकरेज योगा का अवार्ड भी मिला है। सो सर ये तीन चीजें हैं। अगर आप फेस्टिवल के मामले में बोलें तो जो जगह है मानी जाती है जहाँ पे सीता जी ने पहली बार छठ का व्रत किया था, वो आइलैंड, ऐसे छोटा सा आइलैंड है गंगा जी के बीच में, एक मंदिर है वहां पे। सर और भी बहुत महत्व है बिहार के। तो ठीक ठीक है दीप्सा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।